जब से अक्षय कुमार ने गुलशन कुमार बायोपिक मुगल को रिजेक्ट किया है, भूषण कुमार ने उनके साथ अनबन की खबरें शुरू हो गई थी। दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे थे, लेकिन इनकी फिल्मों को देखकर मतभेद की बात सही लगती है। 2019 में अक्षय कुमार की दो फिल्मों के सामने भूषण कुमार अपने बैनर की फिल्में उतार रहे हैं, यानी कि धमाकेदार क्लैश। भूषण कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मेरा अक्षय कुमार जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती का रिश्ता है, हमने इतनी सारी फिल्में एक साथ की है। मुगल को लेकर जो भी वजह थी वह सिर्फ हमारे और उनके बीच की वजह थी, जिस वजह से फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन 2018 में अक्षय कुमार की गोल के सामने भूषण कुमार के सत्यमेव जयते रिलीज हुई। जाहिर है कि अक्षय जॉन की इस फिल्म को लेकर धमाकेदार क्लैश के साथ ही मनमुटाव की खबरें तेज हो गई और सामने आने लगी। वहीं ताजा बात करें तो 2019 में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है। 15 अगस्त 2019 को भूषण कुमार प्रोडक्शन की फिल्म बटाला हाउस फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म में जॉन अब्राहिम की मुख्य भूमिका है, जबकि इस दिन रिलीज होगी अक्षय कुमार की मिशन मंगल। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद 6 सितंबर को अक्षय कुमार और करीना कपूर की फिल्म गुड न्यूज के साथ क्लैश हो रही है अनुराग बसु की फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर भी भूषण कुमार है। इस फिल्म में राजकुमार राव, फातिमा सना शेख, सनाया मल्होत्रा, अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कि क्लैश काफी शानदार होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय कुमार और भूषण कुमार की इस क्लैश सीरीज का अंत कब होता है। क्या अक्षय कुमार इस बार भी आगे निकल जाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।